हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, बच्चे जो है स्कूल से आ चुके हैं और जो है अभी कर रहा है अपना होमवर्क, क्योंकि हम लोगों को जाना है शाम को बर्थडे में, इसलिए अभी अपना होमवर्क वो ख़त्म कर देगा। मिठू बहुत चिल्लाता है, तो मिठू चिल्ला रहा है और मौसम ना इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। देखिए इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना ठंडा सा मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो जो है मौसम बहुत ठंडा हो गया, ठंडी हवा चल रही है, पंखे में भी ना मतलब ठंड सी लगी है, तो पंखे हम लोगों ने बंद किए हुए हैं। और आज पता नहीं क्यों हो रहा है मौसम, कल रात से ही ठंडा मौसम हो रहा है काफ़ी। तो ऐसा लग रहा, मतलब ऐसा कभी होता नहीं था कि अप्रैल के महीने में इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता था। अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और अब तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ लौट लौट कर आ रही है। तो बस आज बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कपड़े वगैरह बाहर सूख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मौसम एकदम से ऐसा हो गया है बहुत ज़्यादा। अभी हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, लेकिन जो है बारिश अब बंद हो गई, लेकिन बादल जो है ना सुबह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो बस मैं जा रही थी, तैयारी करूँगी अभी, और पहले मैं खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद तैयारी करूँगी। तैयारी क्या, साड़ियाँ तो मैंने रात ही निकाल कर रख दी थी, उसमें से एक साड़ी डिसाइड कर ली है, तो बस वो साड़ी निकाल कर रखनी है। बच्चों के कपड़े निकालने हैं, अभी के कपड़े निकालने हैं, और जो देना है मतलब उस बच्चे को वो कपड़े भी पैक करा लिए हैं। तो ये गिफ्ट वगैरह, मिष्टी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये गिफ्ट है जो हमको लेकर जाने हैं, और इनकी पैकिंग करवा ली है मैंने। बस अब निकालूंगी बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, तो निकाल लेती हूँ। ठीक है, गिफ्ट पैक करा लिया, कुछ नहीं। तो यहाँ पर गिफ्ट वगैरह रख देती हूँ मैं ठीक से, क्योंकि ये हमको लेकर जाने हैं। और अपने बच्चों के कपड़े निकाल लिए हैं मैंने, और जो चूड़ियाँ वगैरह हैं वो भी मैं निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पर चूड़ी भी निकाल ली है, और अब जो है मैं किचन में वापस से आ गई हूँ, खाना बनाकर तैयार करूँगी। खाने में मैं आज यहाँ पर करेला और चने की दाल बनाऊँगी, तो ये खा लेंगे, और थोड़ी सी मैं बनाऊँगी दाल और रोटी। तो दो तीन लोगों का ही खाना बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, बाकी के हम सभी लोग जा रहे हैं बर्थडे में। तो बर्थडे में जो है हम लोग निकल जाएंगे, यहाँ से 6 बजे करीब निकल जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तैयार, और बस नेल पेंट जो है ना मैंने लगाया था पहले ही, मतलब तैयार होने से पहले ही लगा लिया था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने काम किया तो नेल पेंट जो है ख़राब हो चुका था, तो फिर मैंने वापस से इसे साफ़ किया, उसके बाद वापस से मैंने लगाया है। तो बस यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, और अभी के रेडी जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनका कैंसिल हो गया, वो नहीं जा रहे हैं, तो बस मैं और बच्चे ही जा रहे हैं। हम लोग हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पर मिष्टी भी रेडी हो रही है, मैं भी अभी भी रेडी हो रहा है अंदर। तो बस हम लोग अब बस निकलेंगे, और वहाँ की जो क्लिप है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। खाना वाना बना लिया है, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ कर दिया है, झाड़ू वगैरह लगा दिए, मतलब घर का पूरा काम फिनिश कर दिया है। और बस यहाँ पर हम जिसके बर्थडे में जा रहे हैं उसकी मम्मा नानी ये बोल रही है कि मम्मा नानी लगती है उसकी, और मैं मौसी लगती हूँ तो रिश्ते ऐसे होते, कोई नहीं, और हो जाता है कि हम बहुत बहुत छोटी छोटी सी उम्र में ही ना मतलब नानी मौसी दादी सब लोग बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं नानी बन चुकी हूँ, दादी भी बन चुकी हूँ, तो कोई नहीं, होता है। और मौसी और बुआ का सबसे बुआ और मौसी बन चुकी है, छोटी सी उम्र में बुआ मौसी बन गई है। तो चलिए फ्रेंड, और साड़ी ये वाली मैंने बांधी है, तो आप लोग बताना ज़रूर कैसी लग रही है। और सभी लोग हम लोग जा रहे हैं, तो घर से तो हम आ गए हैं, लेकिन अभी दीदी के घर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि यहीं से सभी लोग जाएंगे।
तो अभी कुछ लोग रह गए हैं, तो वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हाय बाय। तो सभी लोग जो हैं हम पहुंच चुके हैं जहां पर बर्थडे है ना, वहीं पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहां पर ये लोग हमें मतलब ले रहे थे सभी लोग, तो जैसे भात का प्रोग्राम होता है ना उसी तरीके से ही ये सब हो रहा था। तो बस यहां पर सभी लोग हमें लेने के लिए आए थे, हार वगैरह इन लोगों ने डाले, मतलब स्वागत किया था हम लोगों का। और फिर उसके बाद जो है जो भी रस्में थी वो हुई थी, और यहाँ पर डांस वगैरह हो रहा है, सभी लोग डांस वगैरह कर रहे थे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए मैंने थोड़ी सी ना स्पीड तेज कर दी है, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर करना। और तो हम सभी लोग जो हैं घर पर पहुंच चुके हैं, और ये जो लाइटिंग वगैरह हो रखी है यही है इनका घर। और बस घर के बाहर हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर काफ़ी देर डांस वगैरह हुआ था, सभी लोगों ने डांस वगैरह किया था। यहाँ डॉली खड़ी हुई है, श्वेता थी, प्रीति थी, मतलब सारी ही मेरी देवरानी जिठानी थी, तो हम सभी लोग थे। और यहाँ पर ये मीत खड़ी हुई है, और हम सभी लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से सभी लोग साथ में जाते हैं। तो प्रीति हाय कर रही थी आप लोगों से, और जो है Thank you.
हम लोग जो है घर में आ चुके हैं अंदर, और अब बस यहाँ पर हम सभी लोग जो है बैठ चुके हैं, और बर्थडे जो है मतलब केक कटिंग होने वाली है, तो बस केक कटिंग वगैरह हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ गाने वाने होंगे, और फिर बस यही है कि हम लोगों को जल्दी निकलना भी है क्योंकि रात ज़्यादा हो जाएगी और बच्चे वगैरह साथ में हैं, इसलिए जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर जो है केक कटिंग वगैरह हो गई है, और उसके बाद ये सुनीता हमारा तिलक वगैरह करने लगी थी। तो यही है मतलब दीदी जो है उनकी बेटी यही है, और जो है इन्हीं के बेटे का आज बर्थडे है। तो बस केक कटिंग की जो वीडियो है वो मैंने बनाई तो थी, पर लेकिन पता नहीं कैसे गलती से मुझसे वो डिलीट हो गई, तो बस केक कटिंग वाली जो क्लिप है वो आपके साथ नहीं शेयर कर पाई मैं। तो यहाँ पर सभी लोगों का ये तिलक कर रही हैं, और जो तो केक कटिंग भी हो गई है, तिलक वगैरह भी हो गया है, और यहाँ पर जो दीदी सामान लेकर आई हैं बच्चे के लिए वो सारा सामान दिया जा रहा है। तो कुछ लोग इधर के हैं, कुछ लोग हमारी तरफ के हैं मतलब, और वो सभी लोग बैठे हुए हैं। तो जो भी कपड़े खिलौने और जो भी गोल्ड वगैरह लेकर आई हैं दीदी वो सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सारी रस्में हो चुकी हैं, और उसके बाद हम सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए थे क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है। और ये इन दोनों ने सबसे ज्यादा खाना खाया। देखिए प्लेट देखिए, आधे से ज्यादा खा ली है और अभी है इसमें। अभी खाना खा लिया बेटा, खा लो फिर चल रहे बेटा। थैंक यू। ये देखिए इनको, इन्होंने मुझे पानी लगा दिया है। एक चाहिए भैया, एक हाँ बस। क्या खा रही चाची, क्या खा रही हो?
प्रीति क्या खा रही है? ये चौमिन खा रही है और इसका बेचारी का फास्ट है आज तो ये नहीं खा रही। अभी तो कह रही गरम कर दूंगी अब कुछ खा ले गुलाब जामुन वगैरह। गुलाब जामुन खा ले। गुलाब जामुन यहां तो आ जा ले बाऊ। दीदी का गाना रिकॉर्ड कर रही थी, गाना गा रही है, पता नहीं कौन सा। दीदी गा दो ना, दीदी सुनाओ ना कौन सा गाना गा रही है। मेरे सास बड़े चंडाल, मुझसे होता नहीं है काम, ग्यारह हो जाए मुझे कई रोटी बसेरी। पहले राजा का खा ले, तेरी पापू का मेरा बीच का परोठा बन जाए। खा लो दीदी खाना, थोड़ा बहुत कुछ खा लो। गुलाब जामुन ला के दो। तो कुछ तो खा ले नहीं छोड़ो। तो खाना वगैरह सब लोगों ने खा लिया है और अब बस हम लोग घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो है आ चुके हैं और यहाँ से ना करीबन 20-25 मिनट लगते हैं पहुँचने में। तो 11:30 से ऊपर ही टाइम हो गया है, तो 12 तो बज ही जाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी से आएगा बंटी, खुला हुआ है तो ना है। अभी बहुत हवा लगी। रोहित 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 रुक बात तो सही कर। गाड़ी पापा आ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड रात को करीबन हमें हम लोगों को आने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए जो है वीडियो का एंड नहीं किया था। 12:05 हो गए थे तब हम मतलब घर पहुँचे थे। तो फिर आने के बाद जो है कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर बच्चे तो सो गए थे, लेकिन मुझे बहुत देर बाद नींद आई। मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं काफ़ी लेट सोई थी। और अभी की मिष्टी की दोनों की तबीयत ऐसी हो रही है, मतलब अभी वो कोल्ड हो रहा था, लेकिन वही है ना कि एक दूसरे से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब मुझे मिष्टी को भी लग रहा है कि मिष्टी को भी हो गया है, क्योंकि अभी मैंने उसे उठाया था स्कूल के लिए तो वो रोने लगी थी, बोली मम्मा नहीं जाना है। तो मैं चलो कोई बात नहीं सो जाओ, कभी कभी करते हैं बच्चे, वरना रोजाना मतलब सुबह जैसे उठाते हैं उठकर तुरंत तैयार व्यार होने लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है ना वो फिर करते हैं कि नहीं जाना। तो मैं चलो कोई नहीं सो जाओ, अभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो दोनों सो रहे हैं, आज स्कूल नहीं गए हैं। चाय बना ली है मैंने, चाय पी ली है सभी लोगों ने और झाड़ू वाड़ू लगा दी है। तो बस अब जब पहले मतलब थोड़ा सा ना ऐसे ही झाड़ू लगा देती हूँ मैं, उसके बाद चाय वाय बनाती हूँ और अब लगूँगी मैं सफाई में। तो घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद जो है नहा लूँगी, फिर मैं नाश्ता वास्ता कुछ बनाऊँगी। अभी नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं बनाया, नाश्ता क्या दलिया बनाना है, बाकी कुछ नहीं बनाना। बच्चे जो है वो हल्का फुल्का ऐसे कुछ खा लेंगे, फिर मैं सीधे खाना ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, नाश्ता बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नाश्ता करेंगे नहीं बिना नहाए। उठेंगे नहाएंगे तब जाकर पूजा करते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। तो दलिया ही बनाऊंगी, क्योंकि दलिया अभी के डैडी और मेरी मदर लोग खाते हैं, तो बस उन लोगों के लिए दलिया बनाना है और फिर जो है मैं खाने बनाकर तैयार करूँगी। तो फटाफट से मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ। मैं चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ, वीडियो का एंड रात में नहीं कर पाई थी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो जो है मैं यहीं पर इस ब्लॉग का जो है एंड करती हूँ, और ब्लॉग पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड वीडियो का ही जो है यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।